अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग भाई। ये है टेक्नो का स्पार्क 20, जिसको पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है 36,000 रुपीज़ की प्राइस में, 8 GB रैम, 256 GB रोम वाले वेरिएंट के साथ। आज मैं स्मार्टफोन का पबजी टेस्ट करने वाला हूँ। बेसिकली स्मार्टफोन में आता है मीडियाटेक हीलियो G85 और साथ में 8 GB की रैम आती है। अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन पबजी के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी यार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है ना अनबॉक्सिंग वीडियो स्मार्टफोन की अपलोड की, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो काइंडली आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, फर्स्ट पिन कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, अनबॉक्सिंग वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। खैर, अब आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, पबजी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि भाई पबजी जो है वो कितनी देर के अंदर लोड होती है। यहाँ पर पबजी है और यहाँ पर स्टॉपवॉच है, तो स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3। ये लो भाई, ये दोनों एक ही टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं कि भाई पबजी जो है वो कितने सेकंड के अंदर लोड होती है। सो भाई फाइनली पबजी को लोड होने में 39 सेकंड लगे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। खैर, इसको रखते हैं अभी साइड पर, स्टॉपवॉच को करते हैं साइड पर, और अभी आते हैं हम यहाँ पर पबजी में। सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों को जो है वो चार्जिंग दिखा देता हूँ। स्मार्टफोन की चार्जिंग इस टाइम 80% है और ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी हीट नहीं है। सबसे पहले ग्राफिक्स चेक करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर ग्राफिक्स चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्मूथ के साथ पावर सेविंग, मीडियम, हाई, अल्ट्रा तक ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। बैलेंस में भी आप लोग को अल्ट्रा तक ग्राफिक्स मिलते हैं, HD में हाई देखने को मिलते हैं, HDR जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम खेलेंगे स्मूथ के साथ अल्ट्रा, एंड साथ में यहाँ पर कर देते हैं कलरफुल, ओके करते हैं। सो भाई सबसे पहले एक मैच लगाते हैं, उसके अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई स्मार्टफोन में जायरो आता है या फिर नहीं। सो यार मैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, 15 किल कैसे हो गए? खैर जो भी है, लेकिन सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जंप वाला ऑप्शन ऑन करते हैं, एंड देन यहाँ पर जो है वो जायरो को ऑन करते हैं। जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन कर दिए, अब दिखाता हूँ आपको जायरो आता है या नहीं। सो भाई यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर वाला जायरो देखने को मिलता है। जायरो में बहुत ज़्यादा डिले आता है, मतलब कि आप मूव किसी और तरफ कर रहे हो और जायरो जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो मूव होता है। बाकी परफॉर्मेंस में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई परफॉर्मेंस में ये स्मार्टफोन जो है वो कैसा निकल कर आता है। चलते चलते इस फोन के अंदर ना गेम जटरिंग करती है। यार इतना डैमेज दिया फिर भी ये मुझे मार गया। ओ वेरी नाइस, एक तो बम से उड़ गया। सो फाइनली ये वाला मैच तो गाइस खत्म हो चुका है। और कितनी चार्जिंग थी? 80% चार्जिंग थी, अभी यहाँ पर 78% चार्जिंग है। मतलब कि एक मैच खेलने के बाद स्मार्टफोन ने 2% चार्जिंग जो है वो ड्रॉप की है। बाकी अगर मैं हीट की बात करूँ तो वैसे भी मौसम ठंडा है, तो स्मार्टफोन बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ। अब हम एक और मैच खेलने वाले हैं, उसके बाद जो है ना उसके अंदर देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। सो फाइनली गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेंट्रोनी मैच जो है वो लग चुका है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। पिछले मैच में कहीं कहीं पर जो है वो स्मार्टफोन स्टक होने की कोशिश करता है, जब गेम खेलते हो ना तो कहीं कहीं पर जो है वो बिल्कुल स्टक होता है। ये देखो जायरो नहीं है, जायरो की वजह से खेला ही नहीं जा रहा। जायरो मैंने इसलिए बंद किया है क्योंकि जायरो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मूव किसी और तरफ करना होता मूव कहीं और हो जाता है। इन दोनों को मैंने मार देना था। सो भाई गेमिंग के लिहाज से देखा जाए तो भाई गेमिंग के लिहाज से इतना कोई ख़ास नहीं है ये फ़ोन, इतना अच्छा निकल कर नहीं आता, गेम जो है ना मज़ेदार नहीं करवाता।
सो जैसा कि आप लोगों ने स्मार्टफोन में देखा गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो कैसी निकल कर आ रही थी, तो भाई मुझे गेम खेलते हुए स्मार्टफोन में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, इतनी को खास जो है वो गेमिंग देखने को नहीं मिलती। हाँ कहीं कहीं पर ये स्मार्टफोन स्टक होने की कोशिश करता है, मूवमेंट सही नहीं करता, मतलब कि पबजी के अंदर बंदा जो है ना जो प्लेयर होता है वो मूवमेंट नहीं सही करता, उसकी वजह से भी कई बारी जो है वो अगला बंदा जो है वो किल करके चला जाता है। बाकी अगर मैं गेमिंग के अतबार से बात करूं तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी गेमिंग स्मार्टफोन नहीं होने वाला। हाँ अगर आप लोग नॉर्मल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, नॉर्मल से गेमिंग करना चाहते हैं, तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेहतरीन होने वाला है, तब आप लोग स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे पबजी के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर पबजी के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप लोगों को डेफिनेटली पैसे अपने जो है ना यानी कि बजट अपना इंक्रीज करना पड़ेगा, और इन्फिनिक्स का नोट 30 आता है वो पबजी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सो भाई इस टाइम आप लोग देख सकते हैं 75% चार्जिंग है, मतलब कि हमने दो मैच खेले और 5% चार्जिंग जो है वो ड्रॉप हुई है, तो एक डिसेंट है, मतलब कि चार्जिंग जो है ना वो इतनी ज्यादा ड्रॉप नहीं करता। एंड स्मार्टफोन हल्का सा माइनस सा हीट है, हालांकि मौसम ठंडा है उसके बावजूद भी थोड़ा सा हीट हुआ है, तो गर्मियों में तो ये स्मार्टफोन ज्यादा हीटअप होगा। बाकी यार अगर आप लोग स्मार्टफोन को लेने का सोच रहे हैं तो भाई मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूंगा कि आप लोग 3 से 4 हजार रुपए अपने मजीद और ऐड कर लें, उसके अंदर आप लोग जो है वो टेक्नो कैमन 20 परचेज कर सकते हैं, इन्फिनिक्स का नोट 30 परचेज कर सकते हैं। इस डिवाइस से वो डिवाइस बहुत ज्यादा अच्छी निकल कर आती है, तो आप लोग डेफिनेटली स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।